नहीं होगा। प्रकृति किसी तरह से साधु संत और ऋषि को ब्राह्मण पर अत्याचार हो पाएगा, तो क्या वो सच्ची आनंद श्री है के कानों तक की दुखियों की पुकारे सुनाई नहीं दे रही है, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ।
मैंने सुना कि किसी ऋषि के आगमन से, किसी विद्वान के आगमन से ये जीवन धन्य हो जाता है। जिस कारण से इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है वह जीवन तुम्हें धन्य है। मैं जैसा सुना था वैसा ही तुझे दे दिया हूं। अरे आपके द्वारा क्यों इतनी से साधु संत का सम्मान हो? रघुवंश की जो आप सफेद चादर है, आप कभी अपने जीवन में सफेद चादर पर कालिका नहीं जाने देगी।
चुकी थी, लेकिन राजन मैं ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता। अरे अगर तुमने अपनी विचार भंगा बदला